There was an increase in gross profit by 3.5%. And this year, the increase has gone up to 4.2% in total gross profit in one financial year. Friends. Thank you very much. In fact, I must congratulate all of you. क्योंकि हम सब इस कंपनी के हिस्सेदार हैं तो यह खुशी हम सब के लिए बराबर है. प्रकाश, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में इन्हें बताओ. फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस बार भी टीकूट के बिजनेस में हम कटाई का ठेका सेन एंटरप्राइजेस को देने का फैसला किया. ये वही सेन एंटरप्राइजेस है जिसके साथ हम लोग पिछले 25 सालों से डील कर रहे हैं और वो हमेशा हमारे लिए फायदेमंद साबित हुई है. आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर है तो. एक्सक्यूज मी सर. सर, मुझे कुछ कहना है. बोलो. सर, मुझे नहीं लगता हमें सेन एंटरप्राइजेस के साथ इस साल कोई भी डील करनी चाहिए. आई एम सॉरी. प्लीज कंटिन्यू. सर, प्लीज बुरा मत मानिए, मगर अगर हमें सेन एंटरप्राइजेस के साथ कोई भी डील की तो हमें नुकसान ही होगा. क्या जानती हो तुम बिजनेस के बारे में? सर, मैं पिछले एक साल से सेन एंटरप्राइजेस की कंपनी ग्रोथ को रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ. वो कंपनी दिन ब दिन घाटे में जा रही है. तुम कल की लड़की मुझे सिखाओगी बिजनेस कैसे किया जाता है? तुम मुझे बताओगी मैं किससे डील करूं किससे नहीं? शायद तुम जानती नहीं हो, हम सेन एंटरप्राइजेस से तब से बिजनेस कर रहे हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुई होगी. सर, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि. क्या कहना चाहती हो तुम? क्या होगी तुम मुझसे? तुम मुझे सिखाओगी बिजनेस कैसे करूं मैं? ये बताओगी तुम मुझे इस बिजनेस का क्या भला क्या बुरा? ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरी, तुम्हारी नहीं. सर, मैं भी इस कंपनी की एक मुलाजिम हूँ. श्रुति, शट अप. एक्सीडेंट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो. सर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि. कोई इस लड़की को चुप रहने के लिए कहेगा? मुझे कुछ बात नहीं करनी है. दिस मीटिंग इज डिसपर्स्ड. सर, सर प्लीज, सर, सर प्लीज मेरी बात मान जाइए. आपकी मुझ पर बहुत एहसान है सर. आपने मुझे बुलाया सर? वो लड़की क्या नाम है उसका? श्रुति. हाँ श्रुति, अभी अभी उसने जो बकवास की है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. सेन एंटरप्राइजेस में हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे थे और अगर उस कंपनी की हालत वैसी है जैसे उस बदतमीज लड़की ने कहा, दैट मींस वी आर नॉट इन सेफ हैंड्स. हमारे सीए को हमने सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? सर, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया उसकी. मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो वक्त पर काम नहीं कर सकते. और उसके बाद तुम सेन एंटरप्राइजेस की सारी इंफॉर्मेशन मुझे ला के देना. उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या पोजीशन है, बैंक ट्रांजैक्शंस क्या है, एवरीथिंग. ओके जी. और जब तक उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते. राइट राइट. ओके सर, ठीक है, आप मुझे 2 दिन दीजिए, मैं रिपोर्ट ला. ओके सर.